तो भाई सनी देओल का अब गदर सिर्फ बॉर्डर 2 में ही देखने को नहीं मिलने वाला। एक ऐसी मूवी और है जिसके अंदर वो वन मैन आर्मी यानी सिंगल आदमी की तरह एक गदर मचाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी मूवी जिसमें वन मैन आर्मी की तरह वो काम करने जा रहे हैं। और वो मूवी कौन सी है अब आप लोग सोच रहे होंगे। तो भैया मूवी के बारे में तो मैं बताऊंगा, बट पूरी वीडियो देखोगे तभी तो जान पाओगे कि मूवी कौन सी है और मूवी की कहानी क्या होने वाली है। तो स्कीप मत करिए, वीडियो पूरा देखिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लाहौर 1947 यानी लाहौर 1947 की, जिसके अंदर सोलो यानी वन मैन आर्मी की तरह काम करने वाले हमारे सनी देओल। और आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे कि भैया बॉर्डर 2 के अंदर तो आपको नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं सनी देओल के अलावा, बट 1947 लाहौर के अंदर सिर्फ एक चेहरा देखने को मिलेगा और वो चेहरा होगा हमारे सन्नी पाजी का। जी हाँ दोस्तों, सन्नी पाजी जो गदर मचाएंगे ना लाहौर 1947 में, उसके बारे में तो कहना ही क्या। साथ ही साथ इस पिक्चर को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो डायरेक्शन दे रहे हैं इस पिक्चर में, वो भी एक बिग नाम है। और वो बिग नाम कौन सा है? वो है आमिर खान। जी हाँ दोस्तों, आमिर खान इस पिक्चर में प्रोडक्शन दे रहे हैं, साथ ही साथ डायरेक्शन भी दे रहे हैं। तो भैया पिक्चर जबरदस्त होगी, इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कि पिक्चर किस तरह जबरदस्त होगी, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी कहानी दिखाई जा रही है जिसे पाकिस्तान ने अपने देश के अंदर बैन लगा रखा है, जिसे एक नाटक के रूप में पाकिस्तान में प्रस्तुत करा गया था, जिसे लोगों का प्यार तो बहुत जबरदस्त मिला था पर उसे बैन कर दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी क्या है, तो भैया कहानी भी जान लो, कहानी जानने पे आपका पूरा अधिकार है। वीडियो पूरा देखोगे तो पूरी कहानी आपको देखने को मिलेगी पूरी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ये कहानी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम 1947 लाहौर की। जी हाँ दोस्तों, उस दौरान जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो लखनऊ से एक मुस्लिम परिवार जाता है पाकिस्तान के अंदर यानी लाहौर के अंदर, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा हो चुका है, और वहां उसे एक मकान अलॉट होता है। वो मकान एक हिंदू परिवार का होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वो बूढ़ी अम्मा बची होती है जो उस परिवार में रह रही होती है। और वो मुस्लिम परिवार जानता है कि जब तक ये बुजुर्ग महिला इस घर में रहेगी तब तक वो मकान उनके नाम नहीं हो सकता। बस यहीं से शुरू हो जाती है इनकी लड़ाई। बट धीरे धीरे वो जो बूढ़ी लेडी होती है, जो वो ओल्ड लेडी होती है, उनका उस मुस्लिम परिवार के साथ बहुत अच्छा संपर्क हो जाता है और वो मिलजुल कर आपस में बहुत प्यार के साथ रहने लगते हैं। पर जब पाकिस्तान में यानी लाहौर में गुंडों को पता चलता है कि यहाँ पर एक हिंदू महिला रह रही है जिसे मुसलमानों ने पनाह दे रखी है, उस परिवार ने पनाह दे रखी है, तो वो उसे मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। और साथ ही साथ मुसलमानों के बीच में यानी वो जो मुस्लिम परिवार है और उन गुंडों के बीच में जबरदस्त लड़ाई भी होती है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट देखने को मिलता है कि वो मुस्लिम परिवार उस हिंदू लेडी की, जो ओल्ड लेडी है, उनकी रक्षा करता है, उनको बचाने की पूरी कोशिश में लगा रहता है, बट हादसावश वो महिला मर जाती है। और जब ये सवाल पैदा होता है कि अब ये महिला मर गई है तो इसका अंतिम संस्कार किस तरह करा जाएगा, इनके साथ क्या करा जाएगा, तो तभी उस दौरान वहां के एक मौलवी सलाह देते हैं कि इस महिला का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ होना चाहिए। और वो जो हिंदू रीति रिवाज है उसी के साथ उस महिला का अंतिम संस्कार करा जाता है, साथ ही साथ रावी नदी के तट पर उनके शव का अंतिम संस्कार करा जाता है। पर जब ये बात गुंडों को पता लगती है कि मौलाना ने ये पूरे प्रपंच में साथ दिया है उस मुस्लिम परिवार का उस हिंदू महिला का अंतिम संस्कार करने के लिए, तो वो उस मौलाना को भी जान से मार देते हैं। बस दोस्तों ये है पूरी कहानी। और इस कहानी को पाकिस्तान के अंदर आज से 20 साल पहले एक नाटक के रूप में दिखाया गया था, पर ये कहानी को लोगों ने बहुत प्यार तो दिया था, पर जो वहां की सरकार है या जो वहां के कुछ रुतबेदार लोग हैं, कमिश्नर्स वगैरह हैं, उन्हें ये कहानी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इस कहानी पर बैन लगा दिया था। उनका कहना है कि ये कहानी की स्टोरी तो अच्छी है बट एंड के अंदर जो दिखाया गया है कि गुंडे किस तरह उस मौलवी को मार देते हैं, तो ये पाकिस्तानियों और इस्लाम के ऊपर हमला है और साथ ही साथ पाकिस्तानियों की गलत छवि को प्रदर्शित करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो भाई ये तो कहानी है हमारे लाहौर 1947 की। बट अब आप लोगों को यहाँ ट्विस्ट देखने को ये मिल रहा है कि सिर्फ इस कहानी के अंदर होने वाले एक सन्नी पाजी, और ये सवाल बना हुआ है कि वो सन्नी पाजी क्या मुस्लिम परिवार बनके इस बार लखनऊ से लाहौर जाने वाले हैं। 1947 का आपने यही सीन एक देखा होगा गदर पिक्चर के अंदर। जब गदर रिलीज हुई थी तो गदर के अंदर किस तरीके से एक मुस्लिम परिवार जाता है लाहौर के अंदर और वहां जाके सेटल हो जाता है, और जब दंगे फसाद फैले हुए होते हैं तो उस दौरान वहां से हिंदुओं की पूरी लाश से भरी हुई एक ट्रेन इंडिया के अंदर आती है, भारत के अंदर आती है, और तब हमारा तारा सिंह किस तरह भड़क जाता है और किस तरह फिर वो भी अपने यानी हिंदुस्तान की आवाम की रक्षा के लिए उतर जाता है और लोगों का कत्लेआम मचाने से बिल्कुल नहीं डरता, जो गलत लोग हैं, जो आतंकवाद हैं, जो हत्याएं कर रहे हैं उनका।
इसी तरह का कुछ देखने वाला है आपको लाहौर 1947 के अंदर। तो भैया 1947 लाहौर में तो जबरदस्त एक्शन तो होएगा ही होएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा ड्रामा भी देखने को मिलेगा और ड्रामे के साथ साथ रोमांस के कुछ सीन हल्के फुल्के देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि टोटली जो ये स्टोरी बेस्ड है, ये स्टोरी बेस्ड है रियलिटी के ऊपर और ये एक पूरी रियल स्टोरी बन के सामने आने वाली है। तो भैया मजा तो आने वाला है लाहौर 1947 के अंदर। साथ ही साथ डायरेक्शन और प्रोडक्शन आमिर खान का है, तो भैया छोटी मोटी पिक्चर तो नहीं, और ये सन्नी बाजी है तो पिक्चर सुपर डुपर हिट होके बॉस रहेगी रहेगी। बॉर्डर 2 के बारे में आप लोग जानते हैं, बॉर्डर 2 को लेकर जो क्रेज बना हुआ है कि भैया जल्द से जल्द ये जेपी दत्ता पिक्चर को बनाए और इसे रिलीज करें और हम लोग पिक्चरों को देखने जाए, बस कुछ इसी तरह का क्रेज अब शुरू हो चुका है हमारी लाहौर 1947 को लेकर, जिसके लिए बाजार गर्म हो चुका है और लोग इस कहानी को अब बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। और इस बड़े पर्दे पर इसे दिखाने के लिए एक बड़ा चेहरा भी चाहिए और वो आजकल बड़ा चेहरा चल रहा है हमारे सन्नी पाजी का। वैसे सन्नी पाजी के बड़े चेहरे के बारे में अब हमने बात कर दी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बड़ा चेहरा कुछ बड़ी बड़ी पिक्चरों के अंदर नजर आने वाला है, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं टॉलीवुड के अंदर भी, यानी कि साउथ की पिक्चरों में भी, और इनको मोटी मोटी रकम अदायगी की बात करी जा रही है। 75 करोड़ की साउथ की एक पिक्चर के लिए इनको साइन करा गया है, वो पिक्चर कौन सी है उसका नाम तो अभी तक नहीं बताया गया है, इसे पूरी तरीके से अभी कवर कर रखा है, बट ये पता चल गया कि 75 करोड़ का ऑफर करा गया है इनको और ये भी उसमें सहमत की दर्शा चुके हैं। साथ ही साथ रामायण के अंदर बॉस हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं, वो तो मजेदार होने ही वाला है, क्योंकि आग लगा देंगे ये पूरी तरीके से, लंका तो दहन करेंगे ही करेंगे। बट बॉलीवुड के अंदर जो भी रूमर्स फैले हुए थे कि देओल परिवार बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब सनी देओल का कोई रोल नहीं है, उन रूमर्स को भी पूरी तरह जला के खाक कर देंगे। और भैया सनी देओल के जो फैंस है वो भी इस बाट में बैठे, इस इंतजार में बैठे हुए कि कब ये बंदा बॉर्डर 2 लेकर आए, कब ये बंदा रामायण लेकर आए, जल्दी से जल्दी अब साउथ की मूवीज में भी नजर आए। तो भैया हम तो रेडी हैं कि जल्द से जल्द ये बड़ी पिक्चरें करें, बड़े एक्शन सीन्स करें, क्योंकि इनके एक्शन सीन्स के तो हम लोग भरपूर दीवाने, और दीवानगी भी बनती है। और वैसे इनकी एक और मूवी आ रही है मल्टी स्टार मूवी, जिसका नाम है बाप। भैया नाम से ही बाप नहीं है, इसमें बाप लोग बैठे हुए हैं, इसमें संजय दादा हैं, जैकी श्रॉफ दादा हैं, मिथुन चक्रवर्ती हैं, साथ ही साथ हमारे सन्नी बाजी हैं। तो भैया पिक्चर तो सुपर डुपर हिट होगी, क्योंकि बाप लोग जो बैठे हुए हैं इस पिक्चर के अंदर। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि लाहौर 1947 की जो घोषणा हो चुकी है, आमिर खान ने कह दिया है कि भैया पिक्चर बनने जा रही है, सन्नी देओल ने साइन कर लिया है अपने आप को इस पिक्चर के अंदर और कह दिया कि भैया मैं ही हूँ इस पिक्चर के अंदर। और बॉर्डर 2 के बारे में तो पता ही है, सन्नी पाजी बोल चुके हैं ब्लॉकबस्टर होने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये खबरें भी निकल कर आ रही है। अब जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाले हैं हमारी लाहौर 1947 को लेकर, और लाहौर 1947 की जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी तो उसके अंदर कुछ और किरदार भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ सन्नी पाजी तो नहीं होंगे बट लीड हीरो जो होंगे वो सन्नी पाजी ही होंगे, और जो साथ में दिखेंगे एक परिवार दिखाया जाएगा, तो वो परिवार में कौन कौन सदस्य हो सकते हैं इसके ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये क्वेश्चन मार्क लगना बनता भी है, क्योंकि भैया सन्नी देओल है, सन्नी देओल के साथ में एक बड़ी फैमिली, एक बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे, और बड़े चेहरों की जरूरत होती है। जैसे गदर 2 के अंदर सन्नी पाजी ने वन मैन आर्मी की तरह काम कराया और अपने दम पे पूरी पिक्चर को सुपर डुपर हिट बनाया, 600 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा छुआ दिया इस पिक्चर ने, वो भी एक पिक्चर का ये सीक्वल है। तो ये सोचो भैया, जब पिक्चर का सीक्वल इतना पैसा कमा सकती है, तो बॉस जब ये एक सिंगल पिक्चर के अंदर और सिंगल रोल में आएंगे और वो जबरदस्त दहाड़ के साथ आएंगे जो पूरी तरीके से पाकिस्तान को हिला डालेगी, तो उसकी तो बात ही अलग होने वाली है। और आप लोग जानते ही हैं, बॉर्डर 2 हो या फिर हमारी गदर हो या फिर अब लाहौर 1947 हो या इससे भी पीछे की कोई पिक्चर है, वो द हीरो हो, इंडियन हो, ये पिक्चरें सारी की सारी भारत और पाकिस्तान पे बेस होती है, टेररिस्ट पे बेस होती है, आतंकवाद पे बेस्ड होती है, साथ ही साथ बंटवारे से रिलेटेड होती है। तो भैया इन पिक्चरों के लिए तो सिर्फ और सिर्फ साइन करा जाता है हमारे सन्नी पाजी को, क्योंकि सन्नी पाजी ही है जो इन पिक्चरों के अंदर तहलका मचा देते हैं, आग लगा देते हैं और पूरे के पूरे फ्लोर को तहस नहस कर देते हैं। भैया वर्मा तो उखाड़ ही लाए हैं ये। अब देखने वाली बात तो यह है 1947 के अंदर कितना जबरदस्त तरीके से गदर मचाते हैं, इनका गदर देखना तो बनता है। बॉस आप लोगों को क्या लगता है कि लाहौर 1947 कितनी जबरदस्त होने वाली है, ये कितनी बम्पर कमाई करने वाली है, साथ ही साथ कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है, सिर्फ सन्नी बाजी के लिए नहीं पूरे के पूरे बॉलीवुड के लिए भी? तो भाई ये तो कमेंट करना बनता है ना, कमेंट करके हमें जरूर ये जानकारी दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कमेंट बॉक्स है खाली। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन तो देख ही रहा होगा भैया, इसे प्रेस कर दीजिए। पर उससे पहले मैं बताऊं, छोटा मुंह बड़ी बात को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बोलना, क्योंकि बॉस यही है रियलिटी, जहां देखने को मिलेगी आपको बहुत सारी फिल्मों की और हीरोज की क्लैरिटी। तो देखते रहिए छोटा मुंह बड़ी बात, मैं लाता रहूंगा तमाम इस तरह की वीडियोस आपके लिए। नमस्कार।